नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 28 अक्टूबर, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आईटीबीपी ने 186 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। नहाए खाए के साथ आज से शुरू हो रहा लोक आस्था का महापर्व छठ। जल व्यवस्था को दुरुस्त करेगी बिहार सरकार। डेंगू से बचाव को राज्य भर में लार्वा नष्ट करने का चलेगा अभियान। नीदरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की एक तरफा जीत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईटीबीपी ने 186 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट के कुल मिलाकर 186 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 10+2 पास और सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस या डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या क्लास 10th पास एंड ITI इन रिलेवेंट ट्रेड विद 3 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की तारीख 29 अक्टूबर 2022 से 27 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.itbpolice.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नहाए खाए के साथ आज से शुरू हो रहा लोक आस्था का महापर्व छठ। दुर्गा पूजा खत्म हुआ, दिवाली भी खत्म हुई और अब आज से 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ का नहाए खाए के साथ शुभारंभ होने जा रहा है। इसके बाद 29 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा, वहीं 30 को अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य देव को वर्ती अर्घ देंगे। 31 अक्टूबर को उदयमान यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ व्रत के अनुष्ठान का समापन हो जाएगा। यह पर्व ना बल्कि एक पूजा है, यह एक भावना है जो हर एक बिहारी के साथ जुड़ा है। 2 साल कोरोना के प्रतिबंध की वजह से प्रवासी अपने घर नहीं आ सके, लेकिन इस साल कोरोना गाइडलाइन की कोई बंदिश नहीं है। ऐसे में लोगों की एक भारी संख्या दूसरे राज्यों से बिहार की ओर रुख कर रही है। छठ पूजा को लेकर राजधानी पटना के घाटों को सुव्यवस्थित किया गया है, जहां संभावित अप्रिय घटनाओं के लिए भी पुलिस, डॉक्टर्स, नर्स और एक एम्बुलेंस सभी घाटों पर तैनात किए गए हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आचार्य रामलोचन सरन की। आचार्य रामलोचन सरन हिंदी साहित्यकार, व्याकरणविद और प्रकाशक थे। उन्होंने 1915 में लहेरी सराय में प्रकाशन उद्यम पुस्तक भंडार की स्थापना की और 1929 में अपना प्रकाशन कार्यालय पटना स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने कई पत्रिकाओं की स्थापना भी की, जिसमें बालक पत्रिका, हिमालय और हुनर इत्यादि शामिल हैं। उनके हिंदी प्राइमर मनोहर बालपोथी में शुरुआती लोगों को देवनागरी वर्णमाला सिखाने का प्रयास किया। उन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा कुछ प्रख्यात बेहर समकालीन महात्मा गांधी की पुस्तकें और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अन्य गांधीवादी साहित्य की भी प्रकाशित किए। आचार्य रामलोचन सरन का जन्म 11 फरवरी 1889 को मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। जल व्यवस्था को दुरुस्त करेगी बिहार सरकार। बिहार सरकार प्रदेश की जल व्यवस्था को दुरुस्त करेगी। मालूम हो कि प्रदेश के हर घर में साफ पीने योग्य जल की व्यवस्था के लिए हर घर नल जल का योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा टैप वाटर कनेक्शन लगाया जा रहा है। इसका लाभ उन्हें मिलेगा जिन घरों में नल के पानी में हार्मफुल मिनरल्स और आर्सेनिक की मात्रा हो। उस घर में आवेदन करके भी टैप वाटर कनेक्शन लगवाया जा सकता है। आपको बता दें कि टैप कनेक्शन उपलब्ध करवाने में लगने वाली लागत मूल्य का पूरा हिस्सा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। योजना में आवेदक को लागत मूल्य में पैसा नहीं देना है। बता दें कि बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। भारत नेपाल सीमा के झीम नदी घाट पर छठ का अद्भुत नजारा। भारत और नेपाल की सीमा पर एक ऐसी नदी है जहां दोनों देशों के लोग बड़े ही भाईचारे के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा करते आ रहे हैं। सीमा पर बहने वाली इस नदी का नाम झीम नदी है। बता दें कि यह नदी बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड से सटी है। कई दशकों से इस नदी के दोनों किनारों पर भारत और नेपाल के लोगों के द्वारा सूर्य देव को छठ के मौके पर अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा के दौरान दोनों देशों के जवान
जवान घाट पर सुरक्षा को लेकर तैनात होते हैं। वहीं नेपाली नागरिक छठ पर्व की सारी सामग्री खरीदारी सीतामढ़ी के सोन बाजार से करते हैं। भारत और नेपाल के छठ व्रती अर्घ देने के लिए 3 किलोमीटर की लंबाई में दो तरफ परिधि में सजावट करते हैं। यहां होने वाले छठ पूजा में लाखों की संख्या में भारत और नेपाल के लोग आते हैं। वहीं बिहारियों के द्वारा छठ को करते देख अब नेपालियों में भी इस पर्व को करने की लालसा जग रही है, जिसके बाद छठ पर्व को नेपाल के कई भागों में नेपाल के लोगों द्वारा मनाया जाता है। सरकार ने डीजी रैंक के अधिकारियों की लिस्ट यूपीएससी को भेजी। बिहार में मौजूदा डीजीपी संजीव कुमार जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा नए डीजीपी के चयन के लिए यूपीएससी को 11 डीजी रैंक के अधिकारियों की लिस्ट भेजी गई है। दरअसल बिहार को इसी 11 डीजी की सूची में से नया डीजीपी मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि इन 11 डीजी में 6 डीजी वैसे हैं जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं। हालांकि पूर्व आईपीएस अधिकारी और डीजीपी की माने तो उनके अनुसार बिहार के नए डीजीपी के चयन राज्य सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाएगा। राज्य सरकार के जिन डीजी का नाम यूपीएससी के अधिकारियों को भेजा जाता है उनमें से 3 अधिकारियों के नाम को चयन करके राज्य सरकार के पास भेजा जाता है, जिसके बाद राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि चयन किए गए इन 3 नामों में से किसे डीजीपी का पद दिया जाए। मोकामा उपचुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन की तैयारी पूरी। मोकामा और गोपालगंज इन दिनों विधानसभा सीट पर आगामी 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। मोकामा उपचुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 289 बूथ और 175 भवन हैं। सभी भवनों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक 14 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियां पटना जिले को आवंटित की गई हैं, जिसमें 8 ने योगदान दे दिया है। एसएसपी ने कहा कि इन कंपनियों से छापेमारी और बूथ सत्यापन आदि की कार्रवाई कराई जा रही है। अभी 6 कंपनियां अभी आनी बाकी है। ग्रिड कुटा पहाड़ी इस वजह से है बेहद खास। गिद्ध चोटी के रूप में अपने नाम के अर्थ के लिए काफी सच। वास्तव में चोटी एक प्राकृतिक पत्थर के गठन के साथ गिद्ध सिर के एक आकार के रूप में प्रकट होता है। इस स्थान को बौद्ध पाठ में गुजरा कुट भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन स्थलों में से एक जहां बुद्ध ने अपने कमल उपदेश का प्रचार किया था। कहा जाता है कि बुद्ध के पसंदीदा ध्यान स्थान में से एक था। आज भी कोई भी उस शिखर पर आध्यात्मिक शक्ति की गहरी भावना महसूस कर सकता है जो किसी भी मानव निर्मित भव्यता से रहित है। बुद्ध की एक प्रतिमा यहां पाई गई है और वर्तमान में नालंदा की पुरातत्व संग्रहालय में रखी गई है। आसपास की वन भूमि और घोड़ा कटोरा झील की ओर जाने वाले मार्ग का दृश्य आगंतुकों के लिए दिव्य अनुभव को जोड़ता है। फर्जी सर्टिफिकेट वाले अमीन व कानूनगों को किया जाएगा गिरफ्तार। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वाले बर्खास्त किए गए अमीन व कानूनगों को अब गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए डीजीपी को पत्र लिखा जा चुका है। दरअसल साल 2021 में भारी संख्या में राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से बहाली की गई थी। इन बहाल कर्मियों के प्रमाण पत्रों की जाँच की गई तो गड़बड़ी सामने आई थी। इसको लेकर भू अभिलेख के निदेशक जय सिंह ने इन अमीन और कानूनगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिहार पुलिस के महानिदेशक को पत्र लिखा है। डेंगू से बचाव को राज्य भर में लार्वा नष्ट करने का चलेगा अभियान। बिहार में डेंगू का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच डेंगू के नए मामलों को नियंत्रित करने और डेंगू बीमारी से बचाव को लेकर लार्वा नष्ट करने का अभियान पूरा प्रदेश में चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि जिस मच्छर से डेंगू होता है उसके लार्वा को नष्ट करने के लिए नगर विकास विभाग के साथ समन्वय कर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके तहत विभिन्न जिलों के नगर निगमों के सहयोग से डेंगू रोधी अभियान का संचालन किया जाएगा। एनटीपीसी में 864 पदों की भर्ती के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन। रोजगार का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एनटीपीसी ने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल और माइनिंग में कुल 864 ईईटी की भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट 2022 के आधार पर किया जाना है। एनटीपीसी द्वारा ईईटी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार 28 अक्टूबर से शुरू की जाएगी और आखिरी तारीख 11 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। एनटीपीसी में इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पदों के लिए आवेदन के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर भर्ती सेक्शन में एक्टिव किए जाने वाले लिंक के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। छठ व्रतियों की सुविधा के लिए वेबसाइट का किया गया लोकार्पण।
छठ पूजा को लेकर बीते दिन प्रशासनिक अधिकारियों के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर छठ महापर्व 2022 को लेकर सभी छठ व्रतियों या श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु जिला प्रशासन पटना द्वारा वेबसाइट www.छठपूजापटना.in एवं एंड्रॉयड मोबाइल ऐप छठ पूजा पटना का लोकार्पण किया गया है। वेबसाइट एवं ऐप पर छठ पूजा घाटों में संबंधित सभी जानकारी जैसे घाट एवं पार्किंग स्थल की जानकारी, पार्किंग स्थल एवं घाट तक GPS नेविगेशन की सुविधा, खतरनाक या अनुपयोगी घाटों की सूची, तालाबों की सूची, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पदाधिकारी तथा उनसे संपर्क की संख्या, शिकायत सुझाव इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल ऐप को www.छठपूजापटना.in वेबसाइट अथवा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। थाईलैंड के कारीगर बढ़ाएंगे महाबोधि मंदिर के शिखर पर जड़े सोने की चमक। गया में महाबोधि मंदिर के शिखर पर जड़े सोने की सफाई 2017 के बाद से नहीं हो सका है। 2020 में कोरोना के कारण सफाई नहीं हो सकी थी। अब महाबोधि मंदिर के शिखर पर जड़े सोने में चमक लाने के लिए थाईलैंड के कारीगरों का दल पहुंच चुका है। दरअसल हर 3 साल में इसमें चमक लाई जाती थी। अंतिम वर्ष 2017 में इसका काम संभव हो पाया था। इसके बाद 2020 में कोरोना काल की वजह से यह प्रभावित हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से महाबोधि मंदिर का शिखर सोने की चमक से चमकेगा। मद्य निषेध विभाग के 23 निबंधन कार्यालयों के रजिस्ट्रार का वेतन रुका। बिहार में छठ महापर्व के मौके पर मद्य निषेध विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद राज्य के 23 निबंधन कार्यालयों के रजिस्ट्रार का वेतन भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल मद्य निषेध और उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सुबह मुख्यालय स्तर से रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। दिवाली के बाद पुनः मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें 23 जिला एवं अवर निबंधक गायब मिले। पूछे जाने पर पता चला ये सभी पर हैं, तभी मध्य निषेध विभाग ने छठ की घोषित छुट्टी भी रद्द कर दी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 23 अवर निबंधक का वेतन भी अगले आदेश तक रोक दिया गया है। बिहार के कलाकारों व छात्रों ने गंगा नदी पर बनाई 20 फीट लंबी पेंटिंग। आज से लोक आस्था का महापर्व छठ का शुभारंभ होने जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर एक दिन पहले बिहार के कुछ छात्रों और कलाकारों ने गंगा नदी पर 21 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी छठ पूजा पेंटिंग बनाई। MET विश्वविद्यालय की इस उपलब्धि पर यहां के वाइस चांसलर विवेकानंद पांडे कहते हैं कि वे इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि पूरी दुनिया इसे देख सके। उन्होंने कहा कि छठ व्रत में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देना बताता है कि दोनों का महत्व है। इस पर्व में शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। MET विश्वविद्यालय की छात्रा अंकिता बताती हैं कि पेंटिंग में छठ व्रत की शुरुआत करने वाली दो प्रमुख चरित्रों द्रौपदी और सीता को दिखाया गया है। कॉटन फैब्रिक पर बनाई गई पेंटिंग के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि छठ व्रत पुरानी पीढ़ी के साथ साथ नई पीढ़ी के लिए भी। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन आए दिन राज्य के विभिन्न जिलों से भारी मात्रा में शराब जब्त होते रहते हैं। इसी क्रम में अब औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर में पुलिस ने भखरुआ मोड़ स्थित तिवारी मोहल्ला के पास से एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। गुरुवार को मद्य निषेध इकाई पटना और दाऊदनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर शराब की बोतलों को जब्त किया। पुलिस ने औरंगाबाद की ओर से आ रहे एक ट्रक को रुकवा कर उसकी जाँच की तो विदेशी शराब की बोतलों से भरी कार्टून रखे हुए थे, जिसे पुलिस जब्त कर थाना ले गई। भारी मात्रा में शराब और ट्रक को जब्त करते हुए पुलिस ने ट्रक चालक और सह चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कौन होगा जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष, चुनाव का हुआ ऐलान। जदयू में संगठन चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी गई है। राजद के बाद कांग्रेस को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 9 दिसंबर को होगा। इसके लिए अधिसूचना 26 नवंबर को जारी होगी। वहीं इसके लिए 3 दिसंबर को नामांकन शुरू हो जाएगा। जरूरत होने पर 9 दिसंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन चुनाव का परिणाम जारी किया जाएगा। वहीं 10 और 11 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। बता दें कि 13 नवंबर को पंचायत स्तर से शुरू होगा चुनाव, 20 नवंबर को जिला स्तर पर चुनाव कराया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 9 दिसंबर को होगा। बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक। बिहार में मौसम ने अपना मिजाज अब बदलना शुरू कर दिया है। दिवाली संपन्न होते ही अब गुलाबी ठंड ने अब दस्तक दे दी है। वहीं छठ पर्व तक मौसम का मिजाज कैसा रहेगा इसकी जानकारी भी अब पूर्वानुमान के रूप में सामने आ गई है। मॉनसून की विदाई पूरी तरह से हो चुकी है। वहीं बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर दिवाली के दिन भी बिहार के कई हिस्सों में दिखा और तेज हवा व हल्की बारिश दिखी, लेकिन अब लोग ठंड का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।
नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश पर लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। विजय कुमार सिन्हा ने बाल श्रमिक आयोग के गठन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि श्रम मंत्री के नाते वर्ष 2017 में तीन तीन बार बाल श्रमिक आयोग का गठन करने हेतु संचिका मुख्यमंत्री को भेजे थे, लेकिन वे इन संचिकाओं पर कुंडली मारकर बैठ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ताबड़तोड़ आयोग का गठन कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 2017 से 22 की अवधि में उन्होंने एक भी निगम आयोग या 20 सूत्री समिति तक का गठन नहीं किया। पलटने के तुरंत बाद वे अब आयोग के गठन में जुट गए हैं। केजरीवाल के बातों पर हंसने लगे नीतीश कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। जब मीडिया कर्मियों ने केजरीवाल के इस प्रस्ताव को नीतीश कुमार के समक्ष रखा तो वो हंसने लगे। दरअसल सीएम से जब मीडिया कर्मियों ने केजरीवाल के प्रस्तावों के बारे में उनकी मंशा लेने की कोशिश की तो उन्होंने हंसते हुए सवाल को गंभीरता से खत्म करते हुए बोले कि कुछ लोग तो कुछ का कुछ कहते रहता है। सीएम का जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही खड़गे ने लिया बड़ा फैसला। आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालते ही खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की। इसमें उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की जगह स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। इसमें 47 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं को शामिल किया गया है, लेकिन खड़गे ने इस कमेटी से शशि थरूर को अलग रखा है। वहीं अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में खड़गे ने पार्टी में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को देने का ऐलान किया था। खड़गे ने कहा कि उदयपुर अधिवेशन में इसको लेकर प्रस्ताव पास किया गया था। नीदरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की एक तरफा जीत। बीते दिन भारत ने T20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मैच में नीदरलैंड को हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। भारत ने नीदरलैंड को एक तरफा मुकाबले में 56 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और फिर सूर्य कुमार यादव के ताबड़तोड़ अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके जवाब में नीदरलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करने के दौरान एक बार भी आक्रामक नजर नहीं आई और भारतीय गेंदबाजों ने इसका फायदा उठाते हुए उन पर शुरू से ही दबाव बनाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 123 रन ही बना सकी। पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। स्वामी विवेकानंद की शिष्य भगिनी निवेदिता का आयरलैंड में 1867 को जन्म हुआ। प्रसिद्ध विधिवेता, शिक्षा प्रेमी, रचनाकार तथा बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और संगीतकार अतुल प्रसाद सेन का जन्म 1871 में हुआ। भारत सरकार में गृह सचिव मॉरिस गार्नियर हैलेट का जन्म 1883 में हुआ। मशहूर गीतकार तथा अपने समय के ख्याति प्राप्त शायर अनजान का जन्म 1930 में हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर उर्जीत पटेल का जन्म 1963 में हुआ। पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद सेमी का जन्म 1981 में हुआ। विचारक, चिंतक और साहित्यकार डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी का जन्म 1956 में हुआ। अकबर के बेटे जहांगीर का निधन 1627 में हुआ। विख्यात व्यंग्यकार श्रीलाल शुक्ल का निधन 2011 में हुआ। लोकप्रिय उपन्यासकार राजेंद्र यादव का निधन 2013 में हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी 50 रुपये की प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 50 रुपये के प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक ट्वीट में यह भ्रामक दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेल के प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपये हो गई है। पीआईबी ने आगे लिखा कि रेल प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपये ही है। विशेष परिस्थितियों में भीड़ और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए DRMS द्वारा अल्पकालिक तौर पर इसकी कीमत बढ़ाई जा सकती है। एलेक्सा से अब लाइव क्रिकेट कमेंट्री स्कोर भी पूछ सकते हैं आप। अमेजन एलेक्सा वॉइस सर्विस इन हिंदी और इंग्लिश में पिछले एक साल में 52% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अपने यूजर्स की संख्या बढ़ाने के लिए अमेजन ने T20 वर्ल्ड कप की कमेंट्री को भी ऐड किया है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप के बढ़ते रोमांच के बीच अमेजन ने घोषणा की है कि वर्चुअल असिस्टेंट एलेक्सा से आधिकारिक लाइव क्रिकेट कमेंट्री और स्कोर पूछ सकते हैं। यूजर को ट्यून करने के लिए एलेक्सा लाइव क्रिकेट कमेंट्री शुरू करें बोलना होगा। इसके साथ ही मैचों के टाइमिंग का रिमाइंडर सेट करने और पसंदीदा टीम के फिक्स्चर का ट्रैक रखने के लिए भी किया जा सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है चंद्र पासवान, शंकर मुखिया, रंजीत सिंह, रविशंकर, अर्जुन प्रसाद, मुकेश कुमार, विजय कुमार मंडल, कुमार कौशल सिंह, अनिता कुमार, अतीक खान, लक्ष्मी मेहता, राजू कुमार और नीलेश चौधरी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि छठ पूजा को लेकर आपके क्षेत्र में प्रशासन द्वारा क्या खास व्यवस्था किया गया है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।